आज अपन एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चनों की बात करेंगे, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार में मुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है श्रुति, जाफरावादी, मुर्रा व नीली रावी। तो कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग छोटे और जलेबी आकार के होते हैं। तो मुर्रा भैंस के जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं और जलेबी आकार के होते हैं। मुर्रा भैंस को खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सी भैंस का खुंडी उपनाम है या खुंडी नाम से जाना जाता है। तो मुर्रा भैंस को खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन मतलब आगरा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इसके उत्पत्ति स्थान हैं। और मतलब मुर्रा भैंस में से मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि ये पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है मुर्रा। 2176 लीटर ये प्रतिव्याह दूध देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। यहाँ पे अपना सेकेंड क्वेश्चन है कि मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है। जो मेरिनो विदेशी नस्ल है भेड़ की, ये किस देश की नस्ल है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा था। ऑप्शन है अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड व इंग्लैंड। तो मेरिनो किस देश की नस्ल है, स्पेन की। राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। ऑप्शन है गिर नस्ल के, या फिर नागौरी नस्ल के, साहिवाल नस्ल के, या जर्सी गाय के। तो सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी नस्ल के होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा नागौरी नस्ल के बैल होते हैं। वो सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है और तेज़ दौड़ने वाले भी होते हैं नागौरी नस्ल के बैल। और ये नागौरी नस्ल की एक मुख्य विशेषता है कि ये 100% वाइट कलर की होती हैं। अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि सवाई चाल के नाम से कौन सी गाय की नस्ल जाने जाते हैं, तो सवाई चाल के नाम से कांकरेज गाय की नस्ल जाने जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सवाई चाल के नाम से कौन से भेल जाने जाते हैं, तो भेल तो नागौरी नस्ल के जाने जाते हैं, और गाय पूछे, नस्ल पूछे, तो वो कांकरेज आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा था। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की जो श्रुति नस्ल का मूल स्थान क्या है। भैंस की जो श्रुति नस्ल है उसका ओरिजिन क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व महाराष्ट्र। जो श्रुति भैंस है ये गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान माना जाता है। जो श्रुति भैंस की नस्ल है इसकी एक और मुख्य विशेषता है कि इसकी जो सींग होते हैं वो धराती आकार के होते हैं, और ये मतलब हल्की नस्ल है।